तो फायरबेस स्टूडियो के माध्यम से आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल ऐप क्रिएट कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊं। दोस्तों, आपने बहुत सारे एआई टूल्स यूज़ किए होंगे, जैसे कि आपने चैट जीपीटी, डीप सिक, गूगल एआई स्टूडियो, ग्रुक 3। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे एआई टूल्स मिल जाते हैं, जिनका उपयोग करके आपने हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट किए होंगे, जैसे कि आपने इमेजेस, वीडियोस, कोड्स, एप्स, वेबसाइट्स, बहुत सी चीज़ें आपने यहाँ पर जनरेट करनी सीखी होगी। अब हाल ही में क्या हुआ है, गूगल ने एक न्यू एआई एजेंट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या, फायरबेस स्टूडियो। इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फुल स्टैक की एप्स व वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिनका उपयोग कर कर आप यहाँ पर कुछ ही प्रॉम्प्ट्स में अच्छी खासी ऐप या वेबसाइट को बना सकते हैं। अब इसके माध्यम से आपको यहाँ पर किस तरीके से ऐप्स या वेबसाइट्स को क्रिएट करना है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपको यहाँ पर फायरबेस स्टूडियो को यूज़ करना सीखना है, कैसे इसके माध्यम से आप यहाँ पर एक प्रोफेशनल ऐप क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको उसको सीखना है तो सिंपली आपको वीडियो के साथ बने रहना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है फायरबेस स्टूडियो के ऊपर और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इसके होम पेज के ऊपर आना है, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा, एंड यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, कंफर्म इसके ऊपर क्लिक करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फिल करना है, ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लेना है और फायरबेस स्टूडियो के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड दोस्तों, जैसे ही आप अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपके सामने कुछ उस प्रकार का इंटरफेस आएगा। एंड दोस्तों, यहीं पर ही आपको अपना वर्क करना स्टार्ट करना है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट इसका इंटरफेस बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रॉम्प्ट का, जिसके अंदर आप अपनी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। जिस भी टाइप का कंटेंट आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, चाहे आपको ऐप क्रिएट करना है, चाहे वेबसाइट्स क्रिएट करना है, चाहे फोटोज हुआ या कुछ भी क्रिएट करना है, उसका प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यह ऑटोमेटिकली आपको उससे रिलेटेड कंटेंट बना कर दे देगा। अगर आप यहाँ पर अपनी कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और ऐप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पाइथन का ऑप्शन मिलता है, जावा, डॉट नेट, एंड्रॉयड स्टूडियो, फ्लूटर, एंगुलर, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी ऐप बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट बना रखा है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब आपको यहाँ पर किस तरीके से ये अपनी ऐप क्रिएट करना है, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप किस टाइप की ऐप बनाना चाहते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले फिटनेस ट्रैकर ऐप का, तो सिंपली मैं यहाँ पर फिटनेस ट्रैकर ऐप बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूँगा, फायरबेस स्टूडियो के ऊपर आऊँगा, यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रोटोटाइप विद द एआई, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फायरबेस स्टूडियो यहाँ पर आपकी प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा और उसी के अनुसार ही आपकी ऐप के लिए स्ट्रक्चर बना कर दे देगा। मिसाल आपकी ऐप के अंदर क्या क्या चीज़ें उसको दिखानी है, उसकी पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बना कर दे देगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपकी ऐप का नेम आ गया है, तो ऐप का नेम क्या है, पॉकेट रॉकेट फिटनेस। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होंगे, पहले यहाँ पर ए पावर्ड कोचिंग सिस्टम होगा जो आपको यहाँ पर कोच करेगा, इंट्यूटिव डैशबोर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वर्कआउट लाइब्रेरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसके अंदर स्टाइल की गाइडलाइंस भी दी गई है, किस टाइप का कलर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, लेआउट कैसा होना चाहिए, आइकोनोग्राफी कैसी होनी चाहिए, एनिमेशन कैसा होना चाहिए, सब कुछ जानकारी यहाँ पर मिल गई है। अगर आपको अपने स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजेस करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पर किसी भी टाइप का चेंजेस कर सकते हैं। देन सेव इसके ऊपर क्लिक करना है, आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर उसी के अनुसार चेंज हो जाएगा। देन इसके ऊपर आपको आना है प्रोटोटाइप दिस ऐप, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर ये टूल यहाँ पर क्या करेगा, आपके पूरे कंटेंट को एनालाइज करेगा, अपनी स्ट्रक्चर को एनालाइज करेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड्स लिखने स्टार्ट कर देगा। कुछ ही मिनटों में आपके कोड्स यहाँ पर रेडी हो जाएंगे और आपकी ऐप यहाँ पर बन जाएगी।
अगर आपकी ऐप के अंदर किसी भी टाइप की कमी है, अगर आपको लगता है कि आपकी ऐप में ये कमी है, तो उसको भी आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको कोडिंग नहीं करनी है, ओनली आपको यहाँ पर कमांड देना है, ये ऑटोमेटिकली आपकी ऐप के अंदर चेंजेस कर कर दे देगा। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस टाइप से यहाँ पर ये चेंजेस करेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक सिंपल सी ऐप का लेआउट क्रिएट हो चुका है, एंड यहाँ पर आपसे जैमनी की एपीआई की मांग रहा है। तो मैं जाऊँ गूगल ए स्टूडियो के ऊपर, यहाँ से मैं अपनी एपीआई की को जनरेट कर लूँगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना है, गेट एपीआई की, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट एपीआई की, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपकी एपीआई की यहाँ पर मिल जाएगी, इसको आपको कॉपी कर लेना है, इसके ऊपर आना है, कॉपी एंड पेस्ट करना है, कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। आपकी एपीआई की यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब आपकी ऐप यहाँ पर वर्किंग हो जाएगी। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी ऐप क्या करेगी, वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अभी तो यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, बट कुछ ही सेकंड्स में वर्क करना स्टार्ट कर देगी। देखो यहाँ पर ये छोटा मोटा लोडिंग यहाँ पर ले रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐप यहाँ पर थोड़ा बहुत तो वर्क कर ही रही है। ओके ठीक है, ओके 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 ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ओनली वर्कआउट लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा चेंजेस करवाऊंगा, तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा डैशबोर्ड ऐड करो। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एंड मैंने यहाँ पर इस कमांड को दे दिया है, क्योंकि इसके अंदर डैशबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। बिना डैशबोर्ड के हम यहाँ पर कैसे अपनी ऐप को चला सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई डैशबोर्ड तो ऐड कर दो। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या करता है, एंड इसको हम चेक करते हैं। बैक ले जाता हूँ मैं इसको यहाँ पर, ओके, एंड चेक करते हैं किसने यहाँ पर डैशबोर्ड ऐड किया है कि नहीं किया है। ओके ओके, नहीं किया अभी भी ऐड इसने, तो इसके अंदर मैं लिखूँगा ओके मुझे क्या क्या ऐड करवाना है। एक तो मुझे इसके अंदर ऐड करवाना है ए आई पावर्ड कोच। ओके, ए आई पावर्ड कोच कोच ए पावर्ड कोच एंड फिटनेस ट्रैकर ट्रैकर फीचर को जोड़ो, फीचर को ऐड करो। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कमांड दे दिया है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर इसको ऐड करता है कि नहीं करता है, वो भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। अगर यहाँ पर ये यह ऐड नहीं करता है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पहले एक ऐप क्रिएट कर रखा है, उससे मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा। ओके ओके, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसके थ्रू मैं आपको समझा दूँगा कैसे आपको बनाना है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, हर बार ये नई नई चीज़ें दिखा देता है जो क्या होती है, ढंग से काम नहीं करती है। ओके, यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, होम पेज के ऊपर जाऊँगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक ऐप बना रखी है, इसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना दूसरी वाली ऐप जो मैंने इसी के ऊपर बनाई थी, उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन फीचर्स ऐड हो चुके हैं। जैसे कि एक फीचर यहाँ पर ऐड हुआ डैशबोर्ड का, मैं इसको ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन नज़र आएगा, जहाँ पर आपको आपका एआई कोच मिल जाएगा। पहले यहाँ पर ये सिंपल सा था, तो मैंने यहाँ पर कमांड दी थी, दिखा तो मैं आपको कमांड, मैंने क्या कमांड दी थी यहाँ पर, ओके, एंड यहाँ पर हाँ मैंने यहाँ पर लिखा था एआई कोच को प्रोफेशनल बनाओ और इनपुट डालने के लिए ऑप्शन दो। तो पहले यहाँ पर सिंपल एआई कोच लिखा रहा था, पर जैसे ही मैंने यहाँ पर कमांड दी थी, इसने कोड को यहाँ पर क्या किया था, अच्छे से यहाँ पर कोड को जनरेट किया था, एंड यहाँ पर आपको इनपुट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप अपना फिटनेस का लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्कआउट गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम डाल सकते हैं, वर्कआउट स्टाइल हुआ, पास्ट इंजरी हुआ, इक्विपमेंट एक्सेस हुआ, फीडबैक वगैरह हुआ, देन गेट वर्कआउट रिकमेंडेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ए कोच आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन दे देगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या ऐड किया गया था, वर्कआउट का, तो यहाँ पर भी ये सिंपल सा था, तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, वर्कआउट में इंटरनेट से वीडियो उठा के डालो। तो इस प्रकार से इसने इंटरनेट से वीडियो उठाकर इसके अंदर डाल दी थी। देन उसके बाद ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिला था, तो इसके अंदर भी इनपुट नहीं था, तो मैंने यहाँ पर लिखा था ऑन बोर्ड में इनपुट डालने का ऑप्शन दो। तो यहाँ पर इसने इनपुट डालने का ऑप्शन दिया था, जिसके अंदर आप अपनी इनपुट दे सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसने कंप्लीट ऐप को बनाकर दे दिया था। इसका जो वो भी था ना, लेआउट भी काफ़ी फीका था, तो मैंने यहाँ पर लिखा था इसको मॉडर्न लुक दो, ताकि दिखने में ये अच्छा दिखाई दे। तो इस प्रकार से इसने यहाँ पर इसको मॉडर्न लुक दे दिया है। अगर मान लो आपको इसके अंदर कोई अन्य चेंजेस करवाना है, जैसे कि मुझे इसके इसको थोड़ा और अच्छा बनवाना है, इसको और अच्छा लुक दो, ठीक है, कलर भी बदलो, ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ, भी बदलो, ठीक है, मैं ये भी इसके अंदर डाल रहा हूँ ताकि आप देख सकें कैसे इसके अंदर चेंजेस होता है।
ये कमांड भी मैंने इसके अंदर दे दी है। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है इसके अंदर एरर आने लग जाता है। जैसे स्टार्टिंग मैंने यहाँ पर कमांड दी थी तो एरर आया था। अब एरर को फिक्स करने में आपको काफ़ी समय लग सकता है, तो आपको क्या करना है, उस कमांड को छोड़ देना है। अगेन आपको सेम प्रॉम्प्ट को डालना है, या आपको दूसरे रिजल्ट्स बनाकर दे देगा। कई बार ये ढंग से रिजल्ट्स नहीं देता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस वाले प्रोजेक्ट को छोड़ देना है। अगेन आपको न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, उसके अंदर अगेन वो आपको वही प्रॉम्प्ट डालना है, आपको बेस्ट रिजल्ट्स बनाकर दे देगा। इसलिए आपको एक प्रोजेक्ट के पीछे नहीं लगे रहना है, आपको चेंजेस करते रहना है, तभी आपको यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला था, इसको और प्रोफेशन बनाओ, कलर वगैरह भी इसका चेंज करो। देखो तो इस प्रकार से यहाँ पर इसने इसका कलर चेंज कर दिया है, एंड इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ओके, काफ़ी प्रोफेशनल यहाँ पर ये लग रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी ऐप बना सकते हैं। अब आपको इसको किस तरीके से पब्लिश करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पब्लिश करने के लिए आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिलता है पब्लिश का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी ऐप को पब्लिश कर पाएंगे। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऐप को पब्लिश करने के लिए आपको यहाँ पर होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप यहाँ पर फायरबेस की होस्टिंग को यूज़ करते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर इनके प्लान्स को परचेज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, फायरबेस के ऊपर वर्क करने के लिए आपको इनके प्लान को परचेज करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अपनी ऐप को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम फ्री में ऐप्स कैसे बना सकते हैं। तो फ्री में ऐप्स बनाने के लिए आप यहाँ पर गूगल ई स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं। सेम कमांड आप यहाँ पर दे सकते हैं, और इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी ऐप बनवा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। ओनली आपको यहाँ पर करना है, सेम प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको ऐड करना है जनरेट कोड इन HTML CSS एंड जावा इन वन ब्लॉक। यह आपको कोड बनाकर दे देगा। अब आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है, देन नोट पैड के अंदर सेव कर देना है, देन उसके बाद HTML के माध्यम से आपको यहाँ पर इसको पब्लिश कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपने कोड को पब्लिश करेंगे, आपकी ऐप आप यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। अब उसको कैसे होस्ट करना है, कैसे उसको मोनेटाइज करना है, ऑलरेडी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपको पूरा होस्टिंग का प्रोसेस एंड मोनेटाइज प्रोसेस सीखना है, तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लेना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कैसा फायरबेस के माध्यम से ऐप क्रिएट कर सकते हैं उसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक्स लेके आएँ, ताकि इसी टाइप का ऑसम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएँ।